सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम दिल्ली की विधानसभा चुनाव की कवरेज शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमें दिल्ली की सीट नंबर 70 करावल नगर में, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं दुर्गेश पाठक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इनका परिचय मैं आपको दे दूं कि ये संगठन के आदमी हैं। कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं संगठन को बढ़ाने में, तो आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ाने में दुर्गेश पाठक का बड़ा रोल रहा है। मैंने कुछ मैगजीन्स, कुछ इंटरव्यू, कुछ इनके बारे में लेख पढ़े, जिसमें इनकी तुलना एक बीजेपी के अमित शाह जैसे रोल है या प्रशांत किशोर, ऐसे स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर आपका नाम सामने आता है। क्यों आता है, क्या ऐसा किया है आपने? ये तो मुझे नहीं पता क्यों आता है। आपको सही लगती है बात कितनी? नहीं, ये तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ मैं। लेकिन ये था कि मैं जब से अन्ना आंदोलन में आया तो कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में आएंगे, और जैसे जैसे जो काम मिला उस हिसाब से काम करते चले गए। एक तरीके से मुझे संगठन के कामों में बड़ी रुचि थी, लोगों को जोड़ के रखने में बड़ी रुचि थी, और स्टूडेंट था तो खाली समय भी काफ़ी होता तो खूब घूमते थे। और शुरू में शायद जब आम आदमी पार्टी बन रही थी तो लोग ये कहते थे कि यार संगठन नहीं है तुम्हारे पास, संगठन नहीं है। तो मन में एक था कि यार संगठन अच्छे से बनना चाहिए, अच्छे से पार्टी का बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक समय की भी एक स्थिति रही, और वो भी रहा कि फिर संगठन में ही लग गए पूरी तरह से। तो चाहे वो एक एक गांव में जाने की बात हो, एक एक बूथ तक की जाने की बात हो, वॉलंटियर्स के साथ संपर्क बना के रखने की बात हो, उनकी सुनने की बात हो, उनकी कोई दिक्कत है तो वो ठीक करने की बात हो, तो उस हिसाब से फिर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक रोल के रूप में देखा जाने लग गया कि भाई संगठन का काम है तो दुर्गेश को देना चाहिए। कुछ आंकड़े मैं बता देता हूँ कि आपको दिल्ली पिछला जो विधानसभा चुनाव 2015 का, उसमें 35 सीटों का प्रभार था आपके पास, 35 में 34 सीटें जीतते हैं, रिजल्ट तो यही बताता है। क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी पिछली बार? मैं तो कोशिश मेरी यही होती है कि हमारा जो वॉलंटियर है, एक तो ग्रास रूट लेवल तक हमारा, नीचे के लेवल तक हमारा वॉलंटियर हो, और दूसरा जनता ये चाहती है कि डायरेक्ट संवाद उनसे हो। तो जब आपका वॉलंटियर जनता के पास जाके बातचीत करता है, अच्छी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग दिल से अच्छा मानते हैं कि यार अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें कह सकते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये मानते हैं कि लोग आप अच्छे हो। और ऐसे में जब एक बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल वॉलंटियर, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जो मेरी तरह है, जो कभी ना कांग्रेस की राजनीति की ना कभी बीजेपी की राजनीति की, जब वो मोहल्ले का लड़का एक ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके या जॉब से आधे घंटे निकाल के उनके घर जाता है, 10 मिनट बैठता है, तो वो फैमिली पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। तो चाहे पहले वाले इलेक्शन में 30 लाख हाउसेस कवर कराने की बात हो 2013 में, मैं उस समय डोर टू डोर का इंचार्ज था, नई दिल्ली लोकसभा का भी इंचार्ज था, तो मैंने यही सीखा कि स्ट्रेटजी एक ही चीज़ है कि जनता से संवाद डायरेक्ट होना चाहिए, बीच में मीडिएटर नहीं होना चाहिए। जहाँ मीडिएटर आते हैं मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है। जहाँ पर आप ये सोचते हो कि मोहल्ले के जो नेता होते हैं उनको पकड़ लिया जाए और वो आपको पब्लिक को इकट्ठा कर देंगे, वो ऐसा होता नहीं है। तो मेरा तो अपना मानना है कि यही जो चुनावी स्ट्रेटजी मुझे अब तक समझ में आई वो ये रही कि भाई आप जनता से सीधे सीधे संवाद करिए, जनता से डायरेक्टली बातचीत करिए, और उसके लिए आपको संगठन तैयार करना पड़ेगा, आपके मोहल्ले मोहल्ले और गली गली वाइज लोग हों, और लोग अच्छे हों, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, वो बातचीत अच्छे से कर सकें, और वो जाएँ एक एक घर में बैठ के बातचीत करें। तो मुझे लगता है यही है स्ट्रेटजी, इसके अलावा तो कोई स्ट्रेटजी। पर ये स्ट्रेटजी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चलती है? 7 की 7 सीटें हार जाते हैं, इतना प्रचंड बहुमत 2015 में मिलता है उसके बाद। देखिए, सिर्फ संगठन से, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ संगठन से अगर आप ये सोचेंगे चुनाव जीत जाएंगे तो वो भी नहीं हो सकता, और बिना संगठन के चुनाव जीत जाएंगे वो भी नहीं हो सकता। कैंडिडेट्स नहीं थे तो एक माहौल भी होता है। जैसे अगर आप सोचो कि जैसे दिल्ली में अभी माहौल है, दिल्ली में लोग, आप किसी हार्डकोर बीजेपी वाले के पास भी चले जाएंगे वो भी कहेगा कि भाई दिल्ली में तो केजरीवाल को देंगे। आरएसएस के लोग, आप ही का टीवी इंटरव्यू दिखा रहा था, मैं देख रहा था कि आरएसएस के लोग भी कह रहे थे यार कि हम हैं आरएसएस से लेकिन वोट इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को देंगे क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है। तो स्टेट वाइज आपकी एक जो रणनीति होती है, ओवरऑल माहौल होता है, इलेक्शन का जो डायनेमिक्स होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जैसे नेशनल वाले इलेक्शन में
लोग यही कहते थे कि भाई आपकी कोई नेशनल में राजनीति है नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कुछ आप कर नहीं पाओगे, और आप मान लो हम 4 सीट 3 सीट 2 सीट आपको जिता भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने या तो तय किया कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे या उन्होंने तय किया भाई कि वो कांग्रेस के जाएंगे। तो ओवरऑल माहौल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखें 2015 में जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तब भी हम सारी सीटें हार गए थे जी, और जब 2015 में 6 महीने बाद चुनाव हुआ हम सारी की सारी 67 सीटें जीत गए। और तो वो इलेक्शन एक इलेक्शन वाइज माहौल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की संगठन की स्ट्रेटजी से या नॉर्मल स्ट्रेटजी से, अगर आपका माहौल थोड़ा सा अच्छा बन रहा है तो उसमें आप संगठन और स्ट्रेटजी से 5-10% वोट आप ऐड कर ले जाते हैं। ये मेरा अपना जब तक आपने अभी बात की कि संघ के लोग या बीजेपी के लोग कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल, तो क्या यही कारण है कि स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदली है आम आदमी पार्टी की या आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, कि थोड़ा सा बीजेपी या नरेंद्र मोदी को लेकर थोड़ा सा कम एग्रेसिव हुए हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर कम बोलते हैं? नहीं, दिल्ली का चुनाव है और हमारा पूरा फोकस जो है वो दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात रखनी होगी तो रखते हैं, लेकिन यह है कि चुनाव दिल्ली का है तो दिल्ली के मुद्दों के ऊपर चुनाव होनी चाहिए, दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर चुनाव होनी चाहिए। चुनाव हो रहा है दिल्ली का और आप नेशनल के मुद्दों के ऊपर चुनाव करें, वो कोई समझदारी का कदम नहीं है जी। पता चला मोहल्ले का चुनाव हो रहा है और उसमें आप बराक ओबामा के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो वो भी कोई समझदारी की बात नहीं है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस तरह का चुनाव है और जिस स्ट्रेटजी से आपको फ़ायदा मिल रहा है उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपने लोकल मुद्दों की बात की, करावल नगर जहाँ से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के थे कपिल मिश्रा, उनका काम कैसा रहा? उनके कारण काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे, बिकॉज इस क्षेत्र की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, वो ये रहा कि ये करावल नगर दिल्ली का सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है, सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही 15 साल, तो बीजेपी के विधायक यहाँ पे रहे। हमारी जब सरकार आई तो पहली बार यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक बना, लेकिन वो भी 1-1.5 साल के अंदर ही बागी हो गए और अलग हो गए अपने सरकार से। तो यहाँ पे कभी भी कोई बड़े प्रोजेक्ट या कोई बड़ी चीज़ें नहीं हो पाई, जैसे यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिला, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने 7 मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर खोले यहाँ पे, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं यहाँ बन पाया, कोई यमुना का रिवर फ्रंट आपको देखेगा कितना सुंदर है कितना बढ़िया, लेकिन वो कभी डेवलप नहीं हो पाया। तो एक लोकल लीडरशिप की जो कमी रही और जो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चला सके, जो सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सके, उसकी कमी इस क्षेत्र को लेकर हमेशा रही, जिसके कारण यहाँ पे विकास के रूप में बहुत पीछे रह गया। तो मेरा जो अपना समझ बना है, पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सरकार के साथ मिलकर मेरी पहली कोशिश रही कि यहाँ की जितनी भी बेसिक चीज़ें, चाहे वो सड़क है चाहे वो नालियाँ हैं, वो सारी की सारी तैयार हो, और 31 मार्च तक कोशिश ये है कि पूरी की पूरी लगभग 90% एरिया हमारा करावल नगर का बन के रोड और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर 4000 CCTV कैमरे हमने लगवा दिए, यहाँ पर वाईफाई की सर्विस हमने शुरू कराई, 7 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ शुरू कराए, और साथ ही साथ हमारा एक नाला है बिहारीपुर से और बहुत गंदा नाला, 20 से 25 साल से कभी सफाई नहीं हुई, उस नाले की सफाई शुरू कराई, और साथ ही साथ जो यहाँ पे करावल नगर रोड का आपने देखा दयालपुर तक रोड का काम शुरू कराया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हमने स्टार्ट किया। करावल नगर चौक के पास रोड काफ़ी ख़राब है, मतलब कि विश्वास नहीं होता कि हम दिल्ली में देश की राजधानी में हैं, और वहाँ के लोग बड़े नाराज़ हैं, कपिल मिश्रा से भी नाराज़ हैं, आम आदमी पार्टी से भी नाराज़ हैं। और आपको नहीं लगता कि आपने भी एक्सेप्ट किया कि कपिल मिश्रा का काम उतना अच्छा नहीं रहा, मगर लोग उनको आपका ही कैंडिडेट मान के चलते आखिरी तक, क्योंकि बीजेपी उन्होंने 6 महीने पहले ज्वाइन की है? नहीं देखिए, तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा? देखिए उसमें स्थिति ये होती है कि जैसे वो रोड MCD की है, वो रोड बीजेपी की रोड है, तो उसमें आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं सकती, वहाँ पर 3-4 पार्षद हैं, 2 हमारे हैं 2 बीजेपी के हैं, तो जो हमारे 2 पार्षद हैं उनका रोड का काम मैंने शुरू करा दिया है, जो उनके 2 पार्षद हैं वहाँ पे रोड की स्थिति ख़राब है और वो रोड कभी बन नहीं पा रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी का है जिसके कारण वो रोड नहीं बन पा रही है। जहाँ तक आपने कई लोगों को पता नहीं होता कि रोड किसकी है किसकी नहीं है, तो ऐसे में जो भी सरकार होती है उसके ऊपर उनको लगता है कि सरकार है तो बना देंगे, अदरवाइज़ पिछले 1-1.5 साल से यही स्थिति रही, क्योंकि 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले वो अलग हुए, सरकार ने कोशिश की, लेकिन एक लोकल लीडरशिप का और मजबूत लोकल लीडरशिप का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी आप मानोगे, क्योंकि
क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, वो शायद एक एक गली के अंदर रोड बनवाने और क्या स्थिति है शायद उन तक बात नहीं पहुँच पाती। ऐसी स्थिति में एक लोकल लीडर और मजबूत लीडर और कनेक्टेड लीडर अगर होता है वो फिर सरकार के साथ मिलकर काम करा लेता है। मैं आज विधायक भी नहीं हूँ ना कुछ भी हूँ, लेकिन पिछले एक साल से यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो करा रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से और अच्छे से करा रहे हैं। कुछ लोग आपको, मैं करावा लंगरवी चौक पे था, कुछ लोगों ने कहा कि आप बाहरी हैं और जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिष्ट, जो कि 4 बार यहाँ के विधायक भी रहे 2015 तक, उनको कह रहे थे लोकल हैं, तो क्या आपको लगता है ये कोई फैक्टर हो सकता है आपके खिलाफ? ये तो कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि बीजेपी के लोगों के पास अब कोई मुद्दा है नहीं तो वो इस तरह की कहते हैं। बाकी जहाँ तक बात है, मैं सोनिया विहार में रहता हूँ। हाँ, मैं यूपी से माइग्रेटेड हूँ यहाँ पे, मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। वो एक मुद्दा है, लेकिन वो तो करावल नगर के लगभग 90% लोग माइग्रेटेड हैं, कहीं कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई उत्तराखंड से, कोई कहीं से वेस्टर्न यूपी से आया हुआ यहाँ बसा हुआ है। तो अभी मेरा घर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरी ज़िंदगी, मेरा वोटर आईडी कार्ड सब कुछ सब करावल नगर का है। 35 में से 34 सीटें आपके प्रभारी रहते हुए दिल्ली में जीती, इस बार आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से आप संगठन का काम नहीं देख पाएंगे। आपको नहीं लगता दिल्ली में इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? आप नहीं, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि पार्टी में बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लोग हैं और वो उस काम को बहुत बखूबी देख रहे हैं। और अगर आप EBP न्यूज़ का सर्वे देखें जो पिछले 15-20 दिन पहले आया, उसमें तो ये स्थिति है कि हो सकता है 67 क्रॉस भी कर सकती है जिस हिसाब की पॉजिटिविटी है। आपका सर्वे क्या है अभी के टाइम पे? बहुत पॉजिटिव है। मतलब मैं आपको बताऊं, जो CM साहब ने कहा कि इस बार 67 पार, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है, अप्रूवल रेटिंग कम से कम मोर देन 80% से ज़्यादा है, 86% अप्रूवल रेटिंग है, जो कि अनबिलीवेबल है। तो मेरा ख्याल है कुदरत ही कुछ बड़ी चीज़ दिखाएगा। 11 तारीख को शायद हम कुछ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड और एक ऐसे रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कभी होगा। आप पंजाब के सह प्रभारी थे तब आप पर एक गंभीर आरोप भी लगा, आरोप लगा कि आपने पैसे लेकर टिकटें दी हैं, यौन शोषण के कुछ आरोप लगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की जब आप राजनीति में होते हैं तो इस तरह की लूज टॉक और इस तरह की बेबुनियाद आरोप आप पे बहुत सारे लगाए जाते हैं। मैं तो तब भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि कोई भी आरोप, अगर आरोप लगते हैं तो उसका मतलब कि उसकी पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। आज तक किसी ने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती, जिन लोगों को उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, वो उलूल जुलूल कोई भी आरोप लगाते हैं। तो अगर, क्योंकि ये टिकट लेना और जो चीज़ें, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, इसमें आदमी को तो तुरंत जेल हो जाती मात्र कंप्लेंट लिखवाने पर। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जिनको टिकट नहीं मिलती, जिनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। अभी दिल्ली के अंदर टिकट बटे हैं तो कोई कह रहा 20 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा 50 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा 100 करोड़ ले लिया। तो इन सब चीज़ों का तो बहुत ट्रिवियल मैटर है और बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं जो बहुत सारे तरीके की बातें करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आदमी गलत काम करता है आज के टाइम पे, और ख़ासकर हम जैसे लोग जो कि सरकार से, बीजेपी की सरकार से इतना लोहा ले रहे हैं और उनके पास पूरा तंत्र है, अगर हमारे ऊपर 1% भी कहीं कुछ मिल जाए तो वो तो उठा के हमें तुरंत पूरी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर डाल देंगे। और जो आरोप आप कह रहे हैं उसमें तो बहुत गंभीरता है, अगर उस तरह के आरोप का कोई हल्का सा भी कुछ हो जाए तो आदमी तो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। तो ये तो बस कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं जो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं जब उनको कुछ उनका मौका नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी हैं, उनका दाहिना हाथ लोग बताते हैं आपको। और दो, जैसे कि देखा जाए आपकी जर्नी देखें, 2010 में आप यहाँ पर आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन PG करने के बाद और UPSC की तैयारी करते हैं, क्या जर्नी थी, कैसे इतना एकदम से इतना आगे आए आप? सब भगवान का ही एक तरीके से रहा, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था मैं, शाम को 2 ट्यूशन देता था और दिन भर अपनी पढ़ाई करता था। अन्ना जी का आंदोलन हुआ तो मुझे लगा कि यार एक बढ़िया काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, इसमें जाना चाहिए। तो मैं गया उसमें, तो वहाँ पे कहीं लिखा था कि वॉलंटियर करने के लिए इस पे मिस कॉल करें, मैंने भी मिस कॉल कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे मैसेजेस आने लग गए। तो एक दिन मैं अपने घर पे था और मेरे घर के बगल में कहीं मीटिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए तो मैं उस मीटिंग में चला गया। फिर उस मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में फिर कहा गया कि चलो मेट्रो के ऊपर पैम्फलेट बांटते हैं, तो मैं मेट्रो के साथ चला गया, मेट्रो पे पैम्फलेट बांटने लग गए। कभी वह नेहरू प्लेस में जाओ पैम्फलेट बांटो, कभी इधर उधर, तो इस तरह की सारी चीज़ें हुई। और फिर धीरे धीरे लोगों ने काम देखा, मेहनत देखी, तो कभी
बोले कि ठीक है अब मेट्रो की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही बांटोगे अब सारे पर्चे, तुम टीम का कोऑर्डिनेट करोगे। तो इस तरह से बहुत नीचे के लेवल से, और बीच में अरविंद जी से भी उनकी ट्रेनिंग में जाते थे, वो ट्रेनिंग देते थे, मुलाकात होती थी, लेकिन ऐसे कोई बहुत डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि हम बहुत मतलब एक तरीके से सोचिए कि लाखों के बीच में एक हम होते थे। तो लेकिन जिस तरह से काम अच्छा करते गए तो लोगों ने बोला कि भाई ये काम अच्छा करता है। तो एक दिन फिर उन्होंने मुझे ध्यान है कि मुझे डेट भी याद है, 3 फरवरी 2012 को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मैं हम लोग कमरे में चटाई लगा के सोते थे, उसे में गद्दे डाल के, स्टूडेंट में तो आप भी कभी रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो उनका फ़ोन आया, मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा दुर्गेश, मैंने कहा सर सर सर, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ साथ में काम करते हैं दिल्ली के लेवल पे। तो मैं उसमें फिर साउथ दिल्ली का जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन था, फ़ोन कॉल और उनका मैनेजमेंट देखने लग गया था। तो फिर जब मैं उनके ऑफिस में गया वहाँ पे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैंने कहा जी मैं दुर्गेश पाठक हूँ, तो बोले अच्छा तुम हो, मैंने कहा जी। तो उस समय उनका मेरा काम तो उन्हें पता था, मेरा नाम भी पता था, लेकिन मेरा चेहरा नहीं ध्यान था। तो इस तरह से ईमानदारी से मेहनत से काम की, जो काम पार्टी ने दिया पूरी तन्मयता से की, कभी अच्छा रहा कभी बुरा रहा रिजल्ट, लेकिन अपनी तरह से पूरी तरह से ईमानदारी कोशिश की, और शायद यही कारण चीज़ें उन्हें पसंद है जिसके कारण आज पार्टी के अंदर में जो 8 लोगों की हमारी कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसका मेंबर बना। और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो नीचे के लेवल तक वहाँ तक पहुँचा है जी। तो वो भी एक बड़ी गर्व बात है, अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। करावल नगर से अगर विधायक बनते हैं तो क्या 3 बड़े काम जो सबसे पहले आप करेंगे? ये थोड़ा सा ये है कि हमारा सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो UGR बन गया है पूरी तरह से, उसको तुरंत स्टार्ट करा के पानी की समस्या यहाँ पूरी तरह से ख़त्म कराना, ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा सोनिया विहार हमारा जो दूसरा पुस्ता, जो हमारा पुस्ता चौड़ीकरण का एक बड़ा मुद्दा है वो। तीसरा यहाँ पे रोज़गार की बड़ी दिक्कत है, यहाँ से लोग बहुत बहुत दूर जाते हैं रोज़गार करने, गांधीनगर और बहुत चाँदनी चौक इससे। तो मेरी तीसरी कोशिश होगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें लाने का। क्या रोज़गार, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि नेताओं से बात करते हैं तो रोज़गार बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है, आदमी आराम से बोल लेता है, नेता बोल लेते हैं कि हम रोज़गार के लिए व्यवस्थाएं करेंगे, क्या कुछ प्लान है रोड मैप है आपके पास? यहाँ पे हमारे करावल नगर के अंदर लगभग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगभग 5 से 6 हज़ार चलती हैं, घरों के अंदर चलती है। अगर उन इंडस्ट्रीज़ को हैंड होल्ड किया जाए, उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट दी जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो एक एक इंडस्ट्री मेरा ख्याल है कम से कम 10 से 15 जॉब क्रिएट कर सकती है। 6,000 से ज़्यादा है, मैंने गलियों के अंदर घूमा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरा आंकड़ा 6,000 प्लस है, जहाँ पे आज 2 से 3 लोग काम करते हैं और बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं। कोई बुनाई का काम है, कोई छोटे छोटे प्लेट्स बनाता है, कोई कुछ और करता है। अगर उनको किसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनको इन्वेस्टमेंट दी जाए, उनको बिना इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, उनको मार्केट के साथ कनेक्ट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अपार संभावना निकल सकती है। 6,000 इंडस्ट्री के लोग अगर 10-10 रोज़गार भी दे दें, जो आज 1 या 2 पे हैं, 8 से 10 रोज़गार उसमें बढ़े और कैपिटल उसमें। दूसरी दिक्कत है कि ज़्यादा तो लग बहुत मिडिल इनकम के लोग हैं, तो जो कमाते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर उनको सरकार से 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये का लोन मिल जाए तो वो इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सर्कुलेट और बहुत तेज करा सकते हैं। लोग तो कहेंगे कि सरकार आपकी थी 5 साल से, ये आपने पहले क्यों नहीं किया? लीडरशिप की प्रॉब्लम है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो लोकल लीडरशिप होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्षेत्र के विकास में, क्योंकि मुख्यमंत्री बड़े लेवल पे काम करता है, मुख्यमंत्री स्कूल ठीक करता है, मुख्यमंत्री बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ठीक करता है, मुख्यमंत्री का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना, मुख्यमंत्री का काम होता है करप्शन के लेवल काम करना, मुख्यमंत्री का काम होता है ब्यूरोक्रेसी के साथ संबंध बना के ठीक से काम करें। लेकिन ये जो क्षेत्र की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो एक लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है जो मिलकर करे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रोज़गार का एक बहुत बड़ा हब, एक रोज़गार का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे दुर्गेश पाठक करावल नगर सीट से, उन्होंने जवाब दिए कि अगर विधायक बनते हैं तो क्या काम कराएंगे। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कितनी संभावना है कि करावल नगर से आप विधायक बनते हैं तो मंत्री भी बनेंगे, इस क्षेत्र को मंत्री मिलेगा? पिछली बार मिला था, क्या इस बार भी मिल रहा है? मैं पार्टी का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और आज मैं यहाँ पे चुनाव में हूँ तो
उसमें पार्टी का भी एक आदेश है, मेरी भी सहमति है, तो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी वो फिर मेरा काम है। और मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है करावल नगर का विकास करना, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था और संगठन का काम कर रहा था, दोनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीलिंग है जो चुनाव लड़ने के बाद पता चलती है। जब आप संगठन में काम करते हो तो आप इनडायरेक्टली पब्लिक के लिए काम करते हो, संगठन में काम जब आप करते हो तो आपको जीत, कौन सी सीट आ रही है, कौन सी सीट नहीं आ रही है, किस पे क्या हो रहा है, इसमें आप फंसे रहते हो। जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप डायरेक्टली जनता से टच में होते हो। जनता कहती है धोखा मत देना, जनता कहती है गद्दारी मत करना, हमारे सपने मत तोड़ना, तो एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट होता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर करावल नगर की जनता मौका देती है और मैं करावल नगर के लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी सफल है। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूँ जी। तो ये थे दुर्गेश पाठक, कैसी बातचीत लगी, जो जवाब दिए आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।